यहाँ ना पहली बार जन्माष्टमी बनाई जा रही है, इससे पहले यहाँ नहीं बनाई जाती, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं लोगों ने कैसा सजाया। ओ भाई, अब पता है मम्मी का भी आज बर्थडे है, जन्माष्टमी है ना, तो मम्मी का भी बर्थडे है। चेक करें गाइस। तो हमें एक नया ब्रांड न्यू आईफोन 13 प्रो मिलेगा। यहाँ पे तो नहीं थे, यहाँ पे ना पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है जो रियल में सीन हुआ था। Hey guys, what is up? Welcome back to the vlog. Today is 19th of August और आज है जन्माष्टमी, तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी यार फिलहाल आज जो है प्लान यहाँ पे झांकियाँ की सजाने का है पूरा, तो अभी हम लोग वही सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो हम लोग का प्लान है कि हम लोग यहाँ पे झांकी सजाएंगे तखत पे, मतलब तखत लगाएंगे, उसके ऊपर पूरा मंडप वंडप लगाएंगे, फिर पूरी झांकी सजाने का प्लान है। तो अभी ना वही हम मंडप के लिए थोड़ा सा सामान लेने के लिए जा रहे हैं, लाइक कुछ बांस या डंडी अंडी टाइप की, जिससे हम पूरा मंडप बनाएंगे। तो एक लोग हैं गाँव में, उनसे हमने बात कर रखी है, तो उन्होंने सब कुछ तोड़ ओड़ के रख लिया है। तो चलते हैं मामा जी के साथ और बांस वांस लेके आते हैं। जरा आप ये चेक करें। क्या चेक करें? ये आप ऐसे बनियान पहन के निकल आए थे, वही चेक करें। आपने पीछे से मेरा शॉट खराब कर दिया। घर पे कैसे रहा जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे। जब आप घर में एक व्लॉगर हो ना, तब आपको 24 घंटे टाइम। और ऐसे ऐसे चेक करें गाइस, चेक करें। तो चेक कर लो भाई, हाफ लोअर तो पहने, कितना मस्त लग रहा शॉट। और क्या लड़के पहनते हैं। हां भाई, अब इनका तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये नीचे मस्त पटरे वाले कच्चे पहने हुए गाइस। तो यार फाइनली हम ना गांव पहुंच चुके हैं मामा जी के साथ। एक्चुअली ये गांव उनका है जहां से हमारा दूध आता है, मतलब पहले से, बहुत पहले से दूध आता है, तो हम लोगों ने उन्हें से बोल दिया था। ये जो इनका गांव है ना, हमारे घर से बस 2-3 किलोमीटर दूर है, मतलब मेन सिटी में ही पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ की ज़िंदगी इतनी स्लो चल रही है, मतलब बिल्कुल शांति गाँव में, मतलब भाई सब लोग जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं बाहर बैठे हो, कितनी शांति है ना गाँव में यार। कहा कुछ भी, गाँव में मज़ा बढ़ाता है, लेकिन गाँव में गर्मी भी बहुत लगती है, पर हाँ यहाँ शांति बहुत ज़्यादा है। बाकी ये सारी लकड़ियाँ तो हम ले जाएंगे, और साथ में थोड़ी सी और चाहिए थी मामा को, ऊपर मतलब पूरा छप्पर अप्पर टाइप का बनाएंगे ना, तो उसके लिए मोटी मोटी लकड़ियाँ काटने के लिए चल रहे हैं हम लोग। तो भाई ये देखो, ये रहा बांस के पेड़, इसी में से वो काट के लाए थे छोटी छोटी, बाकी अभी और काट रहे हैं पीछे हैं, ये हमारे मामा लगते हैं एक्चुअली। में हमने और मामा ने इस वाले पेड़ से पूरी खींच ली है, पूरा बांस का नस में कटी हुई थी। लेकिन भाई यहाँ हल्का सा भी काम करने में ना पसीना बहुत आ रहा है, बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और देखो मैंने पकड़ के खींची, इस चक्कर में मेरा पूरा हाथ लाल लाल हो गया। मेरे हाथ ना जाने इतने लाल लाल क्यों हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं यार मेरे हाथ। बस फाइनली सारी लकड़ियाँ काट ली, टोटली इतनी सारी लकड़ियाँ हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। बस यही सोच रहे हैं कि जाएंगे कैसे, फिलहाल हम चलाएंगे बाइक, मामा ही पकड़ के बैठेंगे सारी, पर हाँ डर लग रहा है कहीं कुछ गुस्सा ना जाए। फिलहाल अब सीधे आपसे घर ही पे मिलते हैं, सबको घर पहुँचाते हैं। हम सोच रहे थे सारी ले कैसे जाएंगे, मामा ने जो थी सब एक ही में बांध दी, तो पूरा भी गट्ठर टाइप का हो गया है, तो अब आराम से चले जाएंगे यार। तो चलो भैया चलते हैं। बाकी ये चक्कर है गाइस, यहाँ पर भी गुनगुन दीदी खड़ी है, गुनगुन हमें देख रही है। और गुनगुन दीदी क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सब, कोई रिस्पांस नहीं गुनगुन की तरह। बस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और तो अब ये चक्कर है, हम लोग जैसे वहां से निकले पानी बरसने लगा भाई साहब, जिधर से हम लोग आ रहे थे उधर ज़्यादा पानी नहीं बरसा, मतलब आधा रास्ता पार किया, इतनी बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे। लेकिन यहाँ पे भाई मस्त पानी बरस गया, यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं था मुश्किल, लेकिन यहाँ चक्कर है, मस्त पानी बरस गया यार। पता है दोपहर में 1 बजे घर आए थे वो सब लेके, उसके बाद मैं दोपहर में ब्लॉग एडिट करता रहा, बिकॉज आज मैं खाली था, तो चलो ब्लॉग एडिट कर लूँ, तो ब्लॉग एडिट हो चुका है, बस कुछ शॉट लगाने उसमें बचे हुए हैं, बिकॉज वो सारे शॉट मोटू के फ़ोन में, तो अभी मैं जा रहा हूँ मोटू के पास, मोटू से वो सारे शॉट्स ले लूँगा, और उसके बाद मैं जाऊँगा अपनी कोचिंग पढ़ूंगा, और उसके बाद आज रात में जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी, तो देखो शायद ये लोग कब तक मंडप वंडप बना लें, बिकॉज मेरी तो कोचिंग है, मैं तो हूँगा नहीं। तो जल्दी से शॉट्स लेते हैं और फिर जाएंगे कोचिंग, और फिर जल्दी से घर आते हैं। चलो भैया पहुँच गए हैं भाईजान के घर पर, भाईजान अभी वीडियोज ढूंढ रहे हैं जो हमने उस दिन शूट करी थी, जैसे ही मिलती हैं वीडियोज तो देखेंगे। ये यहाँ पे तो नहीं थी बाल आज के, लेकिन तब भी ग्रेट सक्सेस गाइस। एक मिनट अब इधर आ जाओ, अब तो दिखाया था आपका एक ही दिक्कत है, घर पर जाइए। पता है इसने अपना टकला लिटरली मेरे को भी नहीं दिखाया था जब इसने टकला किया था, आज मैंने टोपी उतारी है तो मैंने देखा। आहा, ले वाला आएगा, अब तो वाला आएगा, बाल आगे बात कदम जाओ, क्या वीडियो नहीं दोगे? रोना आ गया। तो यार जिस काम से हम यहाँ पे आए थे वो काम नहीं हो रहा है, ना जाने क्यों नहीं शेयर हो रहा है। एक्चुअली एंड्रॉइड से iOS में शेयर करने के बस एक ही दो ऐप हैं, तो मैं उसी से कर रहा हूँ, बट ना जाने क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं अब अपना रियलमी वाला फ़ोन लेके आऊँगा, पहले उसमें शेयर करेंगे नियर बाई शेयर से, फिर अपने आईफोन में रियलमी वाले से शेयर करेंगे। अरे आईफोन ख़राब है, हमें दे दो। और हाँ आईफोन से याद आया कि अभी ना हम लोगों को लखनऊ भी जाना है, एक्चुअली लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में लिया था हम लोगों ने लॉन्च डे पे, तो इसके 1 साल होने वाले हैं फ़ोन को। बर्थडे करोगे जाके? नहीं, बर्थडे से क्या मतलब यार, 1 साल होने वाला है फ़ोन को, तो इसकी वारंटी खत्म होने वाली है, तो मेरे को ना एक बार एप्पल स्टोर पर जाके इसको एक बार पूरा रीसेट करवाना है, इसका सॉफ्टवेयर चेंज करवाना है।
जाना है। हाँ बदल जाएगा, इसमें एक्चुअली कुछ दिक्कतें आ रही ना, तो बात करी थी समर्थ भैया और हमने, तो वहाँ पे जाके एक बार पूरा रिसेट कराना है, वो इसमें नया सॉफ्टवेयर अपलोड करेंगे, और अगर उसके बाद भी फोन में दिक्कत आती है ना तो हमारा फोन भेजा जाएगा बैंगलोर, और बैंगलोर में अगर इसमें हाँ सच में दिक्कत पाई जाती है तो हमें एक नया ब्रांड न्यू आईफोन 13 प्रो मिलेगा। कुछ बिगाड़ नहीं भाई, अभी बस कुछ ही एक महीना बचा हुआ है वारंटी का, तो इसीलिए हम लोग 27-28 को लखनऊ जाएंगे एप्पल स्टोर। तो यार मोटू भाई क्या कहते थे, वो तो काम हुआ नहीं, उसका दम चले गए थे कोचिंग, और कोचिंग के बाद मैं अभी आ रहा हूँ घर, और इस रूम में ना झांकी टाइप की सजाई गई है छोटी मोटी, और गुनगुन बोली थी कि व्लॉग बनाते हो घुसना, अभी मैंने भी नहीं देखी है, तो अभी मैं भी देखूंगा पहली बार, आपको भी दिखाऊंगा। यहाँ ना पहली बार जन्माष्टमी बनाई जा रही है, इससे पहले यहाँ नहीं बनाई जाती थी, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं लोगों ने कैसा सजाया। मैं कह रहा था कि पहले सज जाएगा, तो देखते हैं, चलो हम भी चलते हैं अंदर। ओ भाई क्या ही सजाया है इन लोगों ने, पूरा बलून ही बलून, और वो देखो क्या लिखा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बाकी यहाँ पे पूरी इनकी स्टेज टाइप की लगाई जा रही है। फिलहाल मैं जो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद अच्छे से देखते हैं अभी जब पूरा कंप्लीट सज जाएगा। तो यार फाइनली हम ना फ्रेश हो चुके हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पूरा कैसे डेकोरेट किया गया है। फिलहाल तो यहाँ पे भजन चल रहा है, ऊपर बलून लगाए गए हैं, और यहाँ पे ये देखिए सारा का सारा प्रसाद बना हुआ रखा हुआ है, और साथ में जो है पीछे कृष्ण अर्चना जी रखे गए, यहीं पर जन्म कराया जाएगा, और साथ में भाभी बोल रहे हैं कि उधर वाला एरिया भी दिखाओ, बिकॉज इधर वाले भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है यार। तो बॉयज अंदर मस्त भजन भजन चल रहा है, और जब से हम ट्यूशन से आए तब से बराबर पानी गिरस रहा है, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बूंदे गिर रही है, अच्छा खासा पानी बरस चुका है 2-3 घंटे से। तो समझो जब कृष्ण जी हुए थे तब भी ऐसा हुआ था, रोहिणी नक्षत्र से बोलते हैं। फिलहाल हमें नहीं ढूंढ नहीं, ना जाने कहां उसने जो है चैन सहित भाग गई है, चैन को लेकर ढूंढ रहे हैं कहां गई यार। पता है हमने ना एनी को जंजीर से बांधा था, वो पता नहीं जंजीर खोल के चली गई, और ये यहाँ पे बैठे हुए, ये तो अपने अड्डे पे आराम से बैठे हुए हैं, पर एनी नहीं मिल रही। हाँ 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 हाँ। तो यार बस 12 बजने जा रहा है, और घर में ना सब तैयारी हो चुकी है, मामा जी कह रहे हैं पूरा कृष्ण जी का जन्म कराएंगे, जैसे कि नहीं कृष्ण जी जन्म हुए थे वो पूरे नदी नदी पार करके गए थे। तो ये रहे हमारे कृष्ण जी जिनका भी जन्म कराया जाएगा ठीक 12 बजे, मामा पूरी तैयारी कर रहे हैं, मामा का पहले पूरा बाहर से ही लेके आएंगे, जैसे वो लेके आए थे, क्या नाम था कृष्ण जी के, वो कौन लेके आए थे, वासुदेव, जैसे लेके आए थे, तो वहाँ पूरा बाहर से लेके आएंगे। आप बाहर आओ, पहले जेल बंद करो, गेट बना, जेल है, पूरा सीन जो रिक्रिएट किया जा रहा है, बरसात का मौसम भी हो रहा है, और ऐसे जो थे जो कृष्ण जी के पिताजी थे ऐसे ही लेके गए थे ना जमुना नदी पार करके, तो समझ लो यहाँ नदी अदी तो नहीं है, बट हाँ बिल्कुल सीन वही क्रिएट किया जा रहा है। ये देख रहा भाई यहाँ हो क्या रहा है, जो रियल में सीन हुआ था, और साथ में ये भी पूरा सीन देख रहा है बैठ के, ना जाने अपनी एनी कहाँ है, पर जय हो, जय हो, जय हो। अब कहाँ जा रहे हैं भाई, यहाँ कृष्ण जी का जन्म कराया गया, अभी तुमने मिस कर दिया व्लॉग में देखना पूरा। भाई ये भी चल रहा है साथ में, ये बहुत ही यार मस्त, मतलब बहुत ही एनर्जेटिक डॉग है। मामा जी ना जाने भैया कहाँ ही दौड़ रहे हैं रात में रोड पे, ये भी साथ में पीछे पीछे लगा भाई यार। अच्छा अब वाह, पूरा सीन रिकेट किया गया यहाँ पे, मामा फिर अंदर आ गए, फिर से जेल में ऐसे नहीं चले गए, तो ताले बंद, सक्सेस।
जय श्री कृष्णा। भैया हमारे यहाँ जो है सारे फेस्टिवल ऐसे ही मनाए जाते हैं खूब धूम धड़ाके से, और ये जो प्लान था सडनली बन गया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। चलो भाई पूरा जन्म कराते हैं जैसे होता है, तो बस सीधे 2 मिनट के अंदर डिसाइड हुआ, 2 मिनट के अंदर हो भी गया सब कुछ। बाकी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 12 बजने में, तो अब वो सेलिब्रेट करेंगे। एक मिनट बचा भाई। यहाँ पे अब जन्म हो रहा श्री कृष्ण जी का। फाइनली यहाँ पे जन्म वन्म हो चुका है, और यहाँ पे मस्त पटाखे दगाए जा रहे हैं। 500 सक्षम मिलके खूब सारी चटाई टाई अपने पास रखी हुई स्टॉक में, तो सारी याद दगा दी जाएंगी। लगे संत करें सेवा। तुम्हें यार पटाखे नहीं जलाना, चटाई नहीं जला पा रहे हैं, कभी हम जलाएं जाके छटपट छटपट छट। तुम आरती करो यार, हम यहाँ खड़े दोनों चीज आएंगे। जैसे सक्षम भैया ओपी जय। और पता है मम्मी का भी आज बर्थडे है, जन्माष्टमी है ना, तो मम्मी का भी बर्थडे है आज। बट हाँ भैया, मम्मी जो है बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, बिकॉज उनका जो बर्थडे होता है ना वो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के स्वरूप में। भाई साहब जैसे मम्मी केक खाती नहीं, वरना प्लान था केक लाने का, बट वो खाती नहीं यार। बट हम लोगों ने विशेष कर दिया है, बाकी उनका बर्थडे तो देख रहे हो कितने मस्त लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। भैया जन्म तो हो गया श्री कृष्ण का, बाकी जो है अभी यहाँ पे प्रसाद जो है प्रिपेयर किया जा रहा है, पूरा गली गली में बांटा जाएगा ना, तो प्रसाद लग जाता है। फिर चलो प्रसाद बांटने चलते हैं। What happened? You have any problem? No. So are you standing like sewer? This is my opinion. What do you want to say? No, nothing. English speaking course कर रहे हैं, English बोली नहीं आती इनसे ज़्यादा, तो मुझे आती है। और बॉयज आधे घंटे के बाद जो है हमारी यनी दीदी भागी, देख लो चैन सहित ये लेके भागी थी। और बताएं आई क्यों है, बिकॉज पूरा सब पटाखे लग रहे हैं और डॉग्स को पटाखे ये सब ज्यादा डर लगता है, तो अब ये भाग भूक के आई एनी। और पता है अगर मैं इसे थोड़ा सा भी तेज बोलूंगा भाग जाएगी, इसलिए बहुत प्यार से इसे बुलाना होगा अपने पास, बहुत ही प्यार से एनी। हाँ भाई चलो भाई आ गई पकड़ में। तो बॉयज मोटू के यहाँ जाने के बाद, हाँ मैं भूल गया बोलना क्या था। ये देखो पहले ये लोग यहाँ पे इतना मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं भी करूँ तो करूँ क्या।